अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और मैं जा रही हूँ हम टीवी, मेरी लाइव शूट थी और वहाँ पे मैंने क्या बनाया था, चिकन लबाबदार। और अब मेकअप वहीं पे होना था मेरा, इस वजह से मैंने मेकअप नहीं किया हुआ और नेल कलर लगा लिया था। नेल कलर लगाने के बाद ये हुआ है कि मैंने बालों को हाथ लगाया, स्ट्रेटनर नहीं कर पाई थी। मैंने कहा था चलो थोड़ा सा तो बाल को सही कर लूँ, तो वो इसको देखिए क्या हाल हुआ है, इतना ख़राब हो गया नेल। और ये हमेशा होता है मैं तरीके, नमाज़ पढ़ती हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ ना, तो उस वजह से होता है कि जल्दी जल्दी नेल पॉलिश लगाती हूँ वज़ू के बाद, तो वो ख़राब हो जाती है। खैर अब देखें, हफ्सा इंशाल्लाह इसका कोई हल निकाल देगी, क्योंकि हफ्सा के पास आ गया है नेल आर्ट, तो वो हमेशा आता रहता है लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल तरीके का आया, तो इंशाल्लाह फिर करूँगी उस। सो अल्लाह से दुआ कीजिएगा मेरे लिए और कि अल्लाह ताला जो मेरी डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट कर दे। वैसे तो माशाल्लाह से बच्चे हैं और सब कुछ है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ हो और बच्चे बहुत सक्सेस हों। उसके अलावा मतलब हमारे पास जो मेरी मेहनत है उसका रंग अल्लाह ताला अता करे। और साथ साथ ये है कि बहुत मेहनत दरकार है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल दरकार है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी दरकार है। और होता ये है कि नहीं करेंगे हम तो क्या होगा कि एंड में जाके हमें उसका मुश्किल ख़ुद ही सहना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये कि जब तक जान है जहान है और जब तक स्ट्रगल है। सो यहाँ पे ना ये वाला मेरा ऑफिस है, मैं इशारा करके दिखा रही थी जब मैं आती थी डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर, तो फिर बच्चों की वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया था, क्योंकि ये शाहीन कॉम्प्लेक्स का एरिया है, सदर टाइप सदर शायद कहते हैं इसको ना, लेकिन डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर हाउस ऑफ हारून हाउस। और मेरी बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ से वाबस्ता हैं, बस अल्लाह की देन थी ये भी कि हम टीवी आ गए हम। और हम टीवी में जो है वो जब भी आती हूँ, ये वाला नया ऑफिस है, पहले पुराने वाले में बहुत दफ़ा आई हूँ मैं, काफ़ी ऑडिशन भी हुआ और इंटरव्यूज़ भी हुए, और स्लो स्लो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा रास्ता भी निकाल देगा। मेरी बहुत प्योर डेस्टिनेशन है कि मैं किसी अच्छी जगह पे काम करूँ, लाइव शोज़ करूँ। और बचपन से मेरा शौक़ यहाँ पे, ये लोग ही मुझे मेकअप कर रहे थे, अलमास हैं ये मेरा बाल बना रही हैं, बहुत ज़बरदस्त अशरफ भाई हैं, मेकअप कर रहे थे। और इतने सिंपल लोग होते हैं, इनको ये नहीं होता कि एक बार आई है बंदी तो बस ऑर्डनरी सा काम कर दे, नहीं, अपनी मेहनत अपनी लगन से पूरा भरपूर काम करते हैं और पूरा भरपूर चीज़ों को लेके जाते हैं। और बस मुझे यही चीज़ इन लोगों की बहुत अच्छी लगती है। जितनी बड़ी जगह आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, जितने बड़े लोगों से मिलेंगे, उनका एटीट्यूड ही बिल्कुल अलग होता है, इस तरह से नहीं होता, उनका लेवल ही अलग होता है। तो मुझे जो मेरी जो बेसिकली जो मेरा पैशन है ना, जो मुझे पसंद है, कहते हैं ना जैसे कि एक हॉबी जैसे कहना है, वो मुझे अच्छे लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है। और ये शायद मुझे दादा की तरफ से रास्ते नहीं मिला है या क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अच्छे लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है। और जो बड़ी जगह पे काम करते हैं ना, उनका यकीन करें प्यून भी जो होता है ना, वो भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको पता होता है कि वो एक उसका भी एक लेवल है, क्योंकि वो कहाँ काम कर रहा है। तो रिस्पेक्ट सबसे बड़ी एक चीज़ होती है जो कि ज़रूरी होती है लाइफ में। बाकी एटीट्यूड और ये सब बकवास चीज़ें, ये कोई भी नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं होता। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे ना, कोई एटीट्यूड नहीं होता, कुछ नहीं होता, उतने ही सिंपल होते हैं, उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं। और मैं ये बता रही थी कि इन्होंने मेरा मेकअप किया है और इतना अच्छा मेरा इन्होंने हेयर स्टाइल बनाया था माशाल्लाह से, अलमास ने और अशरफ भाई हैं, इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। और थैंक यू सो मच अशरफ भाई और थैंक यू सो मच अलमास, इतने प्यार के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए। बाकी ये है कि क्या बोलूँ, लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे कभी भी ये परवाह नहीं रही कि मैं किसी से मदद मांगूं या मैं किसी से बहुत ज़्यादा हेल्प लूं, अपने भाई से या अपने हस्बैंड से, या मेरे अब्बा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मैं कभी भी इन चीज़ों पर हावी नहीं करती खुद को।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? और मेरा मेकअप माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है और अर्शद भाई ने, और हम टीवी के ऑफिशियल आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, और लुक ही चेंज हो जाता है। पहले जब मैं आई थी ना तो मैंने मेकअप खुद कर लिया था और मुझे कहा कि नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन बेस बेसिकली होती है ना वो इनकी बहुत अलग सी होती है। और कपड़े मैंने वही सारे पहने, हिम्मत ही नहीं होती, इतनी आदत हो गई है इस तरह ना कि वो अब दिल नहीं चाहता। अब शायद एक मूड बने और उस तरह का इन्वायरमेंट हो, माहौल हो, तो फिर जो मैं सिल्क या शिफॉन को ज़्यादातर रखती थी वो करूँगी, और अब जो है वो मैं कैजुअल पे इस तरह से आ गई हूँ तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है, सही लगता है। सो इंशाल्लाह देखते हैं, लेट्स सी अब कैसा हमारा शो जाता है, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। गाहे बगाहे मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाऊँ, और मुझे नहीं पता कि मुझे अभी वहाँ पे परमिशन होगी नहीं। पहले तो मैंने बनाई थी, थोड़ी बहुत बनाई थी, लेकिन बेसिकली इस तरह से ब्लॉग जो है ना वो मेरी शायद आदत भी नहीं है बहुत ज़्यादा बनाने की, और वीडियो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, क्लिप्स कर लेती हूँ। आस्ते आस्ते यूज़ टू होंगी तो इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी, लेकिन वीडियोस आपके साथ कुछ कुछ शेयर करूँगी, और लिंक भी शेयर कर रही हूँ, डिफरेंट वर्क की वो भी आप देख लीजिएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बस इस तरह की जो शूट्स होती हैं और इस तरह का जो काम है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत कामिल है। ये मेरा सारा रेसिपी कार्ड है जो कि तैयार किया था मैंने खुद ही, और जरनाक से मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है उनका एटीट्यूड। और कहते हैं ना कि वाकई हीरा तराशते हैं तराशते हैं तराशते हैं, उसके बाद एक वक्त आता है कि वो हीरा बनता है, तो बहुत मेहनत दरकार है, मतलब पत्थर से हीरा बनने के लिए। मुझे नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन कंप्लीट हो पाएगी या मैं वो चीज़ कर पाऊँगी या फुलफ़िल होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहुत काम करना है और बहुत दुआएं लेनी हैं, अपनी जगह बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो सब मिल जाता है जो हम चाहते हैं। लोगों से मदद नहीं मांगनी, क्योंकि लोग कुछ नहीं कर सकते, वो खुद बेचारे इस चक्कर में होते हैं कि हमने आगे जाना है, तो कोई मदद नहीं करता। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपको कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं जो कि बेसिकली आपसे आगे हैं और आपको भी देखना चाहते हैं, तो उनको मैं याद रखती हूँ, और उसमें से एक नाम अजमत भाई का। अजमत भाई ने बेसिकली, वो मेरे बॉस नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह ने मुझे उनके ज़रिए बड़ा भाई दे दिया, बड़ा भाई नहीं था ना मेरा, उनको एहसास है। और अगर मैं वो लाइव शो नहीं करती पीएफ म्यूज़ियम का तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और सबसे ज़्यादा मुझे पीएफ म्यूज़ियम में काम करके क्या मिला, सेलिब्रिटी शेफ़। सेलिब्रिटी शेफ़ के साथ मैंने काम किया, देखें लबाबदार चिकन तैयार हो गई है कि नहीं, इसको टेस्ट करी है, यही बहुत अच्छी बात, उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी लवली थी, प्यारी, बहुत ही ऑनेस्ट और सिंपल सी, हम्बल, बहुत अच्छी हैं। मतलब सारे जो बड़े लोग होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आप काम देख रहे होंगे, देखेंगे ना, वहाँ लोग बहुत ही हम्बल होते हैं और बिल्कुल भी वैसे नहीं होते जैसा कि एक एटीट्यूड है और फजूल का खामा खाई का कुछ भी नहीं होता। ये जरनाक बना के गई हैं, वही हुए स्पाइसी बीफ मिंस, इतना खूबसूरत है। और ये क्या है, पाइनएप्पल जुकूनी, जुकूनी के साथ है, ऊपर क्या है ये, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये पाइनएप्पल जुकूनी केक, ये क्या है फिर, ये दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा उसको डेकोरेट, उसको प्लेटर, अच्छा अच्छा और शर्जील भाई, थैंक यू सो मच शर्जील भाई, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा था बहुत। मेरी आदत जब ख़त्म हो गई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्पाइस साथ काम करने की, तो थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा, लेकिन अच्छा था। अब हम घर जा रहे हैं और हो गया माशाल्लाह, मैं कुछ भूल तो नहीं रही, नहीं मैंने बड़ा वाला बैग लिया हुआ था तो उस वजह से थोड़ा, कहाँ पर जाऊँ, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह, आप लोग देख चुके होंगे जब तक कि वीडियो अपलोड होगी, तो बस आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, बैग पीछे डिग्गी में रखा है, मतलब जी जी है। सही, अब मुझे ये लोग ड्रॉप कर देंगे और मैं घर चली जाऊंगी बहुत अच्छी वाइब्स लेके, बहुत अच्छी ऐसी एक्सपीरियंस लेके। और जितनी मरतबा मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, जाती हूँ, नया एक्सपीरियंस लेके आती हूँ, नई चीज़ें लेके आती हूँ, और सबको सब कुछ नहीं मिलता ये बात मैं जानती हूँ,
मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में, जिन कुछ चीज़ें किसी के पास हैं, कुछ चीज़ें किसी के पास हैं, बस एक बात कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम बहुत ज़्यादा करना है और कुछ नहीं, चीज़ों को मैनेज करना। खैर मेरी आदत है कि मैं उसको प्रिंट आउट उसका लेके उसके बाद भी उस पर काम करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल अब लगने लगा है, लेकिन मैं आदत करूँगी इंशाल्लाह। अब जैसे कि अगर रिकॉर्ड वीडियो करते हैं तो वो तो बेसिकली वॉइस ओवर होता है ऊपर से, या इस तरह से तो डायरेक्टली नहीं बता रहे होते ना, तो वो भी थोड़ा सा लेंथी होता है। तो खैर आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा था अब, और दुआ करो रहिएगा मेरे लिए कि अल्लाह करे कि इसी तरह से जो ये चीज़ें रवानी में रहें और फिर हम इसको मज़ीद आगे की तरफ लेके जा सकें, और रास्ते इसी तरह से बनते हैं, मंजिल इसी तरह से मिलती है आहिस्ता आहिस्ता। और ये है कि एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होता है, और मेरे लिहाज से मुझे और परफेक्शन चाहिए, और लेकिन आपके ख्याल में ये कितना परसेंट अच्छा था, एवरेज था या वाकई बहुत बेस्ट था, वो मुझे आप लोग बता सकते हैं और आप लोग गाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग चैनल जो सब्सक्राइब कर दें तो थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने किया हुआ, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, जो छुप छुप के देखते हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे और सीखने का मौका मिले। और ये वाला लिंक भी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो आप लोग देख लेंगे। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी जब तक तो वो आ चुका होगा रिपीट में भी, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी। तो इंशाल्लाह फिर मैं आती रहूँगी और मिलती रहूँगी आपसे भी उस तरह से भी, और यूट्यूब पर मैं आपके साथ होती हूँ। थैंक यू सो मच।